में बात अगली खबर की। गाड़ी में लिफ्ट देकर पिस्टल की नोक पर बलात्कार करने की कोशिश करने वाले आरोपी जितेंद्र को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा क्राइम ब्रांच एसीपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता करके किया है। एसीपी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र सैनिक कॉलोनी से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर लड़कियों को लिफ्ट देता था और उनके साथ पिस्टल की नोक पर बलात्कार करने की कोशिश करता था, मगर वे दोनों बार ही इस कोशिश में असफल रहा। आरोपी ने पहले 10 नवंबर को वारदात की और फिर दूसरी वारदात को 30 दिसंबर के दिन अंजाम दिया। आरोपी पहले भी लूट की कई मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करेगी। जी सर, पीछे फरीदाबाद जिले के अंदर दो वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर लिफ्ट देके लड़की को और गन पॉइंट के ऊपर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता था। तो इसी संबंध में क्राइम ब्रांच की कुछ टीमें हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाई हुई थी। तो आज सुबह हमने उस एक व्यक्ति को वेपन के साथ में अरेस्ट किया है और उसने एक्सेप्ट किया है कि जो वारदात में के दोनों के अंदर मैं शामिल रहा हूँ, और उसकी जो गाड़ी है सेलेरियो जिसके अंदर ये वारदात करता था उसकी रिकवरी के लिए उसको पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा और आज उसको हम अदालत में पेश करेंगे और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए हम एक माननीय अदालत के अंदर दरखास्त लगाएंगे। क्या क्या करता था, कौन कौन सी तारीख को इसने घटनाओं को अंजाम दिया, किस तरह से वो लड़कियाँ बची, क्या प्रोसेस था? देखिए, एक वारदात नवंबर में हुई थी 10 नवंबर को, और जो सेकंड वारदात है वो 30 दिसंबर को हुई है। तो इसमें ये लड़कियों को जो बेसिकली गुड़गांव काम के लिए जाती हैं, सैनिक कॉलोनी के एरिए से उनको लिफ्ट देता था और फिर गन पॉइंट के बहाने से इंसान एरिए में ले जाता था और वहाँ उनसे रेप करने की कोशिश करता था। लेकिन दोनों ही अटैम्प्ट्स के अंदर रेप, ये नहीं, रेप की जो इसकी कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई और सिर्फ इसने अटैम्प्ट किया था। क्या किस तरह से जान बची इनकी, जैसे पिछली बार खबर आ रही थी कि लड़की भाग का कपड़े उतरे हुए थे रोड पर आ गई, उस तरह से कुछ? हाँ, वो दोनों ही केसेज में हम ये कह सकते हैं अटैम्प्ट था, रेप नहीं हुआ और वो लड़की बच गई थी। आरोपी जितेंद्र नाम का व्यक्ति है जो कि पलवल के गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वह यहाँ सेक्टर 23 फरीदाबाद के अंदर करंट के ऊपर रहता है। इसकी पहले भी ये व्यक्ति जो है लूट के 5-6 केसेज के अंदर जेल के अंदर रहा हुआ है और अभी करीब 1 साल पहले बाहर आया था और अभी इसने 2 अटेम्प्ट ये किए हैं और आज विविध वेपन उसको अरेस्ट किया है। किस तरह के मामलों में अंदर रहा है? ये लूट के केसेज के अंदर अंदर रहा हुआ है। कौन टीम रही अपने और किस तरीके से इस पूरे केस को मतलब हैंडल किया गया? इसमें हमारी करीब 5 क्राइम ब्रांचों की टीम से कुछ 2-2 लोगों को लिया गया था जो सिविल ड्रेस के अंदर वह बाइक के ऊपर और नाका लगा के काम कर रहे थे, और हमारी बड़खल की टीम के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर विमल, वो इसको लीड कर रहे थे पूरे उसको, और करीब 12 से 14 मुलाजिम हमने एक्सक्लूसिव इसी काम के लिए लगाए हुए थे। तो किस तरह से गिरफ्तारी हुई इसकी, कैसे पकड़ा है? इसको आज सुबह वेपन के साथ अरेस्ट किया है, जो हम उसी के इसके पीछे लगातार लगे हुए थे, इसका काफ़ी हद तक हमें हुलिया भी क्लियर था, तो उसी के काम करते हुए सारा एरिए से इसको आज गिरफ्तार किया गया है। कौन सा क्लू लगा जो आरोपी तक पहुंचे? देखिए, कुछ हमारे पास वाइटल क्लूज थे, बाकी मैं डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन हमारे पास कुछ काफ़ी क्लूज थे जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे थे। सर, एक इलाके में एक ही जैसे दो आरोपी अंजाम देने का प्रयास किया, देखिए पुलिस तो अपना काम कर रही थी, हम उसको बता रहे लगातार कंटिन्यूस बेसिस में अपना काम कर रहे थे, लेकिन क्या है वो सुबह इतनी रश होती है वहाँ, आपको ने भी शायद आइडिया होगा, वहाँ से जो गुड़गांव जाने वाले लोग हैं वो काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पे, तो सुबह लोगों को जाने की जल्दी में रहती है। तो मैं पब्लिक से भी ये लोगों से अपील करूँगा कि मैक्सिमम कोशिश जहाँ तक पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें, इस प्रकार की जो प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी के अंदर अगर बैठते हैं तो एटलीस्ट ये जरूर इंश्योर करें कि बाकी सवारी और भी बैठी हों। अकेले जो बैठते हैं तो ये दोनों वारदातों में लड़की सबसे पहले अकेले उस गाड़ी में बैठी है।